मीनू जी देखिए, मोदी जी गुजरात से आते हैं, गुजरात में कहा, गुजरात में गांधी जी ने कहा था पाप से घृणा करो पापी से नहीं, तो चीन के कृत्यों से घृणा होगी प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी के मतलब राकेश जी, एक छोटा सा एक्शन, कम से कम आप तो तारीफ कर दीजिए, प्रधानमंत्री ने पहल करी, उठ के गए, भाई दुश्मनी हो गई लेकिन संवाद के रास्ते तो खुलते ही है ना, तो क्या गलती कर दी अगर उठ के चले गए हाथ मिला लिया, ये हर बात पे प्रधानमंत्री की आलोचना करना ये भी तो ठीक नहीं है राकेश जी, क्यों कर रहे हैं सब लोग से बैठे प्रधानमंत्री की आलोचना। जी संजय जी, पहले तो आपको जो शेर याद नहीं आ रहा था मैं पूरा कर देता हूँ। हाँ, पूरा कीजिए। मुजफ्फर रजमी का शेर है, ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। भाई बहुत अच्छा हम शेर नहीं है। जानते वो लम्हों की खता मई 2014 के किसी शुभ दिन में हुई थी, जिसकी सजा पिछले 8 साल से देश भुगत रहा है। हम नहीं जानते वो पल वो लम्हा कौन सा था, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि अब देश अलग-अलग तरीके की कई सजाएं जरूर भुगत रहा। मुद्दे पर आते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी के G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने और चीन के राष्ट्रपति से उनके गर्मजोशी से उठकर खुद चलकर मिलने जाने पर दो बातें हमें ध्यान रखना होगी। संजय जी, मेरा एक वीडियो है मेरे चैनल पर, आपके दर्शक देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। मैंने बहुत विस्तार से दस्तावेजी प्रमाणों के साथ, घटनाओं के प्रमाण के साथ ये सिद्ध करने की कोशिश की है। उसका शीर्षक ये था कि चीन के सबसे हिजगरे तो आप हैं मोदी जी। हिजगरे हमारा देशज शब्द है, आप जानते हैं, हमारे हृदय के करीब जो हो, बहुत प्रिय हो, उसको हिजगरा कहते हैं। चीन के साथ माननीय मोदी जी और खासतौर से वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनका जो रिश्ता है, वो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि परिधि से भी बाहर है। भारत का कोई प्रधानमंत्री आजादी के बाद से अब तक किसी चीनी राष्ट्र प्रमुख से इतनी बार नहीं मिला जितना माननीय नरेंद्र मोदी जी मिले हैं। जब वे प्रधानमंत्री नहीं थे और गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब 4 बार चीन की यात्रा कर चुके थे, चीन के राष्ट्रपति से मिल चुके थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद 5 बार और कर चुके हैं। यहाँ झूला झूला चुके हम साबरमती रिवर फ्रंट पे, वो भी आपके दस्तावेजी प्रमाणों में है, और ये मैं अनुचित नहीं मानता हूं। दो पड़ोसी देशों के मुखियाओं को मिलते जुलते रहना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय राजनय, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स से ऊपर की चीज होती है। राजनय को राजनीति से ऊपर एक पायदान माना जाता है, और अंतरराष्ट्रीय या राजनय तो यही कहता है कि कोई अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हो, कोई ऐसी सभा संगोष्ठी हो, या संयुक्त राष्ट्र संघ में जो बैठकें होती हैं, उसके बाद के जो रात्रि भोज होते हैं, समागम होते हैं, उसमें जब दो देशों के मुखिया मिलते हैं तो सौजन्यता और शालीनता से मिलने में कोई अनुचित बात नहीं संजय जी। लेकिन राजनय यह भी बताता है कि जब दो देशों के बीच में शत्रुतापूर्ण रिश्ते हों, कोई एक बड़ी घटना ऐसी हो चुकी हो जो राष्ट्र की संप्रभुता पर आक्रमण हो, देश की सीमाओं का अतिक्रमण हुआ हो, देश के वीर जवानों की शहादत हुई हो, उसके बाद जब वो दोनों दो देशों के मुखिया मिलते हैं तो इस तरह की एहतियात बरती जाती है। हमारा विदेश मंत्रालय इस दायित्व को निभाता है चिंता के साथ कि जिस देश के साथ निकट भूतकाल में पिछले दिनों कोई विवाद हुआ हो, कोई छोटा मोटा युद्ध हुआ हो, झड़प हुई हो, बड़ा युद्ध हुआ हो, जब तक कि उस विषय पर शिखर वार्ता नहीं हो रही हो, कोई और सामूहिक समागम है, तब हमारे देश का मुखिया उस शत्रु राष्ट्र के सामने न पड़े। बाकायदा ये राजनय की परिभाषाओं में है कि न मिलना पड़े, हैंडशेक न करना पड़े। तो पहली चूक तो हमारे विदेश मंत्रालय की ओर से ये हुई है, और हो सकता है विदेश मंत्रालय ने यह एहतियात बरती हो कि कोई अवसर ऐसा ना आए कि चीन के राष्ट्रपति से आमना सामना हो, लेकिन स्वयं अगर हमारे प्रधानमंत्री उठकर चले गए हैंडशेक करने, तो विदेश मंत्रालय इसमें कर भी क्या सकता है। व्यापार की बात बात कही थी मीनू जी ने, हमारा एक जो सेकेंड, द्विपक्षी राकेश जी एक ये भी तो सकता है कि चीन के राष्ट्रपति खुद उधर आ ही रहे हो लेकिन प्रधानमंत्री जी खुद उठ के उससे पहले चले गए हो, हो सकता है देर राष्ट्रपति ने देखा हो चीन के कि मोदी जी बैठे हैं तो मोदी से मिलने आ रहे हो। बिल्कुल हो सकता है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, और मुझे गर्व होगा कि मेरे देश का प्रधानमंत्री
दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों के रूप में के बीच में इतनी विशिष्टता हासिल करे कि चीन का राष्ट्रपति स्वयं चलकर आए, हैंडशेक करे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और इसलिए भी कि इस G20 संगठन की सदारत, उसकी अध्यक्षता हमारे हाथ में 1 दिसंबर से आने वाली है। यद्यपि उसको लेकर भी आईटी सेल, जिन मालवी जी का आप नाम लेते हैं, मुझे तो नहीं लगता उनका नाम भी लेना चाहिए, तूमार बांध रहे हैं, उन्हें ये बताना जरूरी है कि ये रोस्टर से होता है अल्फाबेटिकली। इसी तरह जब संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिली थी, तब ऐसा लगा था कि जैसे दुनिया आसमान सिर झुकाकर जमीन पर मोदी जी के चरणों में गिर पड़ा है कि इतिहास में पहली बार भारत को मिली है और मोदी जी की वजह से मिली। तब भी मैंने एक बहुत लंबा आर्टिकल लिखा था, मैंने बताया था 1959 में भारत के जो संयुक्त राष्ट्र में स्थायी दूत होते हैं वे या भारत का विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंगों की अध्यक्षता करते हैं, और उसका रोस्टर अल्फाबेटिकली है। हमारे देश के इससे पहले चिली नाम भी का देश आएगा, इतना छोटा सा मिर्ची के आकार का, चूंकि उसकी स्पेलिंग सी से शुरू होगी तो हमसे पहले उसका नंबर आ जाएगा। तो ये जो प्रपंच फैलाए जाते हैं तथाकथित गोदी मीडिया और उनके सत्ता के आईटी सेल द्वारा, दरअसल ये सिर्फ एक आई वॉश है, हमारी नजरों को धोखे में देश को रखने की कोशिश है। हमें अच्छा लगता है कि बाली जी राकेश जी, मैं आपकी बात से मुझे याद आ गया, 1996 में इंडिया आसियान देशों में शामिल हुआ था। जी अब मेरा लकी था, उस समय में विदेश विदेश जाना बड़ी बात होती थी, तो मेरे को प्रधानमंत्री का जो डेलीगेशन जाना था, मुझे मौका मिला उससे मलेशिया जाने के लिए। तो मैं उस दौर को कल ही याद कर रहा था कि चूंकि उस समय 97 में आसियान में इंडिया शामिल हो जाए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अखबारों में इतना हल्ला गुल्ला नहीं था कि इंडिया ने बहुत बड़ी क्रांति कर दी है, आसियान देशों में हम शामिल हो गए। मैं गया उस डेलीगेशन में, मलेशिया में रहा, तो वहाँ भी इतना तूफान नहीं था, बड़ी शांति के साथ इंडिया शामिल हुआ, हम लोगों का बड़ा बढ़िया प्रदर्शन था भारत का। अब तो मैं देख रहा हूँ एक हैंड शेक पे गोदी मीडिया आ जाए, आमिष देवगन और रूप का लिहाज़ का उन्होंने बिल्कुल क्रांति कर दी है कि लाल लाल पीला हो गया, डर गया। बिल्कुल संजय जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। असल में ये वो पीढ़ी है, हो सकता है जिन पत्रकारों के आप नाम ले रहे हैं ना, ये नहीं मालूम हो कि एक नव स्वतंत्र राष्ट्र भारत, उसका पहला प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाता था तो अमेरिका के राष्ट्रपति तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़कर उस विशेष विमान में रिसीव करने जाते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कैनेडी रिसीव करने गए थे एक दूसरे हवाई अड्डे पर जहां नेहरू जी पहले पहुंचने वाले थे। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान युद्ध से पहले क्या रौद्र रूप दिखाया था अमेरिका के राष्ट्रपति को, इंदिरा गांधी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अमेरिका में हुई थी, वो इन पत्रकारों को दिखाया जाना चाहिए। दुनिया जब दो ध्रुवों में बटी हुई थी शीत युद्ध काल में, तब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन करना पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके उस वक्त के सहयोगियों मार्शल टीटो इत्यादि के द्वारा, वो कितनी बड़ी घटना थी। आज जो विश्व में डंका बजना जैसे बताया जा रहा है, दरअसल में हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारे देश के प्रधानमंत्री की कथनी और करनी से प्रतिदिन अपयश हासिल कर रहे हैं, असम्मान प्राप्त कर रहे हैं। जब हमारे सार्वभौम राष्ट्र का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में एक प्रत्याशी के लिए वोट मांगता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनय में शर्मिंदगी का बायस होता है। संजय जी, ये ढोल नहीं बजता, कोई भारत का डंका नहीं पिटता, पूरी दुनिया में पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं कि एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में कभी वोट नहीं मांगता, दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है। और अंतिम टिप्पणी, चीन के राष्ट्रपति से आप मिल रहे हैं, जिस देश के हमले में हमारे 20 जवान शहीद हुए, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा है संजय जी, 2020 की जून महीने से आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने चीन शब्द का उच्चारण क्यों नहीं किया? पत्रकार और नागरिक दोनों नाते मैं पूछना चाहता हूं, विश्व के सैन्य इतिहास में, मैं सैन्य विज्ञान का विद्यार्थी हूं संजय जी, दुनिया के सैन्य इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ किसी आक्रमणकारी देश का नाम पीड़ित राष्ट्र के मुखिया ने न लिया हो। 2.5 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी की जुबान पर, उनकी पवित्र जिह्वा पर चीन शब्द का उच्चारण नहीं हुआ, चापे बड़ी की मात्रा और ना। मेरा सवाल इतना सा है कि